हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम इस वक्त हैं आपदा प्रबंधन विभाग के वॉर रूम में और दिखा रहे हैं आपको पीछे मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारियां जुटाई गई हैं उसके मुताबिक क्या है आने वाले दिनों में स्थिति। हमारे साथ हैं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जी। प्रत्यय जी, ये बताइए कि क्या स्थिति बन रही है अगले 3 दिनों में, कितना अलर्ट है, कितने खतरा है। जो IMD की सूचना भी थी और जो हम लोग देख रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस पे, तो नॉर्थ बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ कुछ जगहों पर बहुत भयंकर बारिश की संभावना है, भयंकर। और जब मैं कह रहा हूँ तो ये जो जिले हैं किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल जो दिख रहा है बादल ऊपर, वो जो सैटेलाइट पर अगर आप वो देख रहे होंगे फॉर्मेशन, तो वो जो शो कर रहा है वो नेपाल और बिहार का, जो फुटहिल्स ऑफ नेपाल और बिहार के जो जिले हैं सीमावर्ती के, तो वो फॉर्मेशन शो कर रहा है। और फोरकास्ट भी वही है कि बारिश बहुत भयंकर होगी एकाध जगहों पर, तो हम लोगों ने उसके आलोक में अपनी पूरी तैयारी कर ली है। क्या ऐसा लग रहा है कि नेपाल में जब भी बारिश होती है तो उसका असर बिहार में पड़ता है, खासतौर से उत्तर बिहार में नदियां जो हैं वो उफान पर रहती हैं और उसका असर पड़ता है? निश्चित रूप से बाढ़ आने की संभावना होती है। निश्चित रूप से जब हम लोग वेदर फोरकास्ट देखते हैं तो हम लोग नेपाल को भी उनके सारे स्टेशन पे कितनी बारिश हो रही है उस पर भी बहुत कड़ी नज़र रखते हैं। वी मॉनिटर इट वेरी क्लोजली, क्योंकि वहाँ जो बारिश होती है वो फाइनली बिहार में जो हमारे जो नदियाँ हैं उसके लेवल्स काफ़ी बढ़ते हैं। तो इस बार वो अलर्ट है, सारे DMs को अलर्ट किया जा चुका है और NDRF और SDRF की जो टीम्स हैं इन सभी जिलों में पहुँच चुकी है। और पब्लिक को भी जानकारी के लिए सभी जिला पदाधिकारियों के द्वारा आगाह कर दिया गया है। कोविड के आलोक में इस बार जो बाढ़ के SOP हैं उसको हम लोगों ने थोड़ा बदला है और नावों की संख्या बढ़ाई गई है और रिलीफ सेंटर्स, अगर आवश्यकता हमें पड़ेगी आपदा राहत केंद्रों की, उसकी भी संख्या हम लोगों ने बढ़ाई है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को रखना पड़ेगा अगर आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग उस हिसाब से तैयार हैं। और ये जो जल जमा हुआ था बिहार पटना में, राजधानी में, तो काफ़ी बारिश हुई थी, तो क्या ऐसी संभावना दिख रहा है कि जिसमें नेपाल में वैसी ही बारिश होगी जैसा आप बता रहे हैं कि जो बादल है वो छाया हुआ है पूरी नेपाल के ऊपर में? ये एक पूर्वानुमान होता है और रेड अलर्ट जब आता है, जब रेड कलर से अगर शो करते हैं IMD के द्वारा, तो इसका अर्थ होता ही है कि करीब 150 से 200 मिलीमीटर की बारिश होगी। और अगर वो एक जगह, जैसे पिछले साल पटना शहर में ही कॉन्सेंट्रेट हो गया था जिसके चलते परेशानी हुई थी, तो चांस नहीं लेना है। और ये हम लोग मानकर चल रहे हैं कि जब इस तरह का अलर्ट है तो हमें अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार रहना है। और हम लोग इस बार सारे DMs, SPs सभी से बातचीत, और हम लोग अलर्ट मोड पर हैं, वॉच कर रहे हैं कि इस रात और जैसे कटिहार और ये बेल्ट में बारिश जो हो रही है हम लोग काफी उस पर क्लोज रखे हुए। बिहार में इन दिनों देखा जा रहा है कि वज्रपात की वजह से काफी मौत हो रही है, आपको लग रहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है, या आप कितने देर पहले लोगों तक सूचना पहुंचा दे रहे हैं जिससे कि लोग बच सकते हैं? ये जो पैटर्न है पिछले कुछ वर्षों का बिहार और इन इलाकों में जो संख्या बढ़ रही है आजकल वज्रपात की, आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ स्टडी, ये चिंता की बात है डेफिनेटली। लेकिन हम लोगों ने लास्ट ईयर ट्रेंड को देखते हुए अर्ली वार्निंग सिस्टम अर्थ नेटवर्क को हम लोगों ने अपने पास इस बार रखा है। और क्या है मैप में बताएंगे थोड़ा? जो आप देख रहे हैं ये हम लोगों को एक खबर हम लोगों को मिलती रहती है कि बारिश की संभावना और बिजली, तो बिजली एग्जैक्टली किस पॉइंट पर वो डिपेंड करता है पॉलीगॉन पे। अगर ये ग्रीन पॉलीगॉन है तो ये बहुत, हाँ ये बहुत सीरियस नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली झारखंड है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये सेकंड लेवल है, और अगर वॉयलेट बन जाता है कहीं तो वो बहुत सीरियस होता है। तो उस पर कर्सर डालने से वो आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जिले का नाम, प्रखंड का नाम, पंचायत बता देता है। तो हम लोग उसी हिसाब से सभी जिला पदाधिकारियों को ये लिंक दे दिए हैं, सभी DM सब इसको यूज़ कर रहे हैं और तुरंत जो कंसर्न व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वहाँ के मुखिया हैं, BDO हैं, या जो लोग हैं प्रबुद्ध नागरिक वृंद जिनके नंबर, उनको हम लोग इमीडिएटली सूचित 15-20 मिनट का स्लॉट मिलता है उसके अंदर में करना होता है। दूसरी बात, इससे संबंधित एक ऐप है जो प्ले स्टोर गूगल पर फ्री डाउनलोड,
तो हम लोग पिछले दो महीने से विज्ञापन के माध्यम से लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि इन इलाकों में लोग उसको फ्री डाउनलोड करके अपने पास रख लें। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सारी जानकारी उस ऐप पर आ जाती है, और अगर आप उस इलाके में जहाँ बिजली गिरने वाली, आपको एक अलर्ट आ जाएगा। तो आज सभी जिला पदाधिकारियों से शाम में फिर वीसी हुई है, और हम लोग इस दो पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अगला तीन चार दिन, और ये सिर्फ जून का महीना है। अच्छा, अभी तो बारिश है और काफी बिजली भी गिरने की संभावना है, तो आप क्या एसओपी या क्या लोगों से कहेंगे कब बाहर न निकलें, और कौन कौन सी सुविधाएं या फिर जो आशंकाएं हैं उसको देखते हुए आप सावधानी बरतने के लिए कहेंगे? जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये अलर्ट जब से आया है सभी जिलों में आप लोगों के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से वहाँ के जिले के तमाम लोगों को आगाह कर दिया गया है कि अगला ये जो तीन दिन 29-30 तक का है, ये काफ़ी हम लोग सबको बहुत होशियार रहना होगा। अगर कहीं पर इस तरह की बारिश होगी तो इसको देखकर प्लान करना चाहिए, मूवमेंट को करना चाहिए। और अब जिस प्रकार से बिजली गिर रही है, तो कई जिलों में जिला पदाधिकारियों ने गोपालगंज विशेष रूप से लोगों से अनुरोध किया है कि बहुत आवश्यक हो तभी वो बाहर निकलें। और जो हमारे किसान भाई हैं, चूँकि ये बारिश बहुत अच्छा है रोपनी के दृष्टिकोण से, तो उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा होशियार रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ओपन फील्ड में जाना अभी दो तीन दिन के लिए थोड़ा वो लोग परहेज करें, क्योंकि जिस तरह की बारिश और थंडर स्टॉर्म और जो चेतावनी हम लोगों को मिल रही है और जो मैप पर इमर्ज कर रहा है, वो बहुत बहुत सबको होशियार रहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये मैप है बिहार का, और कहाँ बारिश हो सकती है इसके अलर्ट कोशिश की गई है कि लोग अलर्ट रहें और कहीं भी निकलें बाहर निकलने से पहले यह तय कर लें कि बारिश कम है या फिर बादल है या बिजली गरज रही है, तो वो घर से बाहर ना निकलें। ये हम भी आपसे कह रहे हैं, और आगे ऐसी कोशिश ना करें जिससे कि जो मौत हुई है बड़ी संख्या में वो कम से कम हो, नुकसान कम से कम हो। हमारे सहयोगी अवध के साथ प्रकाश कुमार, ABP News, पटना। ABP News, आपको रखे आगे।